हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का जो है WSM मेथड से डबली रेनफोर्स्ड एक्शन का जो है क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द सेक्शन गिवेन बिलो। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 दिया है, Fe 415 जो है ग्रेड ऑफ स्टील है। टेक मॉडुलर रेशियो 13 है। सिग्मा CBC जो है बेंडिंग स्ट्रेस जो है कॉन्क्रीट में 7 N/mm² है और टेंसाइल स्ट्रेस जो है कॉन्क्रीट सॉरी स्टील में जो है 230 N/mm² है। डायमेंशन जो है बीम का दिया है, ओवरऑल डेप्थ 600 mm, विड्थ जो है बीम का 300 mm है। उसके बाद जो है कंप्रेशन रेनफोर्स्ड का जो है कंप्रेशन रेनफोर्स्ड दिया है 4 numbers of 12 mm डाया बार। उसके बाद टेंसाइल रेनफोर्स्ड दिया है 4 numbers of 25 mm डाया बार। कंप्रेशन साइड में जो है इफेक्टिव कवर 40 mm है और टेंसाइल साइड में जो है 40 mm है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हम डबली रेनफोर्स्ड एक्शन का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है डबली रेनफोर्स्ड एक्शन दिया हुआ है। ASC जो है कंप्रेशन रेनफोर्स्ड का एरिया है। टेंसाइल स्टील का जो है एरिया AST दिया हुआ है। D जो है कंप्रेशन इफेक्टिव कवर जो है कंप्रेशन साइड में है और D जो है ये इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ जो है होता है टेंसाइल रेनफोर्स्ड के सेंटर से अबव डेप्थ। और X जो है ये मान लेते हैं X ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है। तो यहाँ पे जो है एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस यहाँ पे हो जाएगा FCBC और फिर यहाँ पे D डैश डिस्टेंस पे जो है स्ट्रेस हो जाएगा FSC/1.5 mm। उसके बाद फिर टेंशन साइड में जो है स्ट्रेस हो जाएगा FST/m और ये जो है X डेप्थ है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ X है, तो ये डेप्थ जो है D-X हो जाएगा। सबसे पहले हम जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है फाइंड आउट करेंगे हम Bx²/2 + 1.5 m - 1 × ASC × x - d′ = ma st × d - x। यहां से हम जो है x फाइंड आउट करेंगे। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो है ये टर्म नहीं होता है, ये टर्म जो है कंप्रेशन रेनफोर्स्ड के कारण जो है एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ से हम जो है x का वैल्यू एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम जो है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे XC इक्वल टू होता है m σ CBC / m σ CBC + σ ST × d। यहाँ से हम XC फाइंड आउट करेंगे। अगर उसके बाद जो है हम चेक करेंगे कि सेक्शन जो है अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। अगर x less than xc हो तो सेक्शन जो है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। अंडर रेनफोर्स्ड के केस में क्या होता है कि स्टील जो है परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचता है लेकिन कंक्रीट जो है नहीं पहुंचता है, तो FST = σ ST हो जाएगा अंडर रेनफोर्स्ड के केस में और FCBC जो है लेस देन होगा σ CBC के। अब हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 FCBC Bx × d - x/3 + 1.5 m - 1 ASC F′CBC × d - d′। F′CBC जो है हम यहाँ पे जो है स्ट्रेस है ये हम फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। FCBC हमें पता होगा, X जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, तो यहाँ हम F′CBC हम फाइंड आउट कर लेंगे इस सिमिलर ट्रायंगल से। उसके बाद अगर सेक्शन जो है ओवर रेनफोर्स्ड हो तब हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इफ़ X जो है ग्रेटर देन XC हो तो सेक्शन जो है ओवर रेनफोर्स्ड होगा। ओवर रेनफोर्स्ड होगा इसमें क्या होगा कि कंक्रीट जो है परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचेगा लेकिन स्टील नहीं पहुंचेगा, तो FCBC = σ CBC होगा और स्टील में जो है परमिसिबल स्ट्रेस से लेस होगा स्ट्रेस। FST जो है लेस देन होगा σ ST। तो इसमें जो है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे।
ओवर इनपोस्ट के केस में 1/2 सिग्मा सी बी सी बी एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाय थ्री प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी एफ डैश सी बी सी इंटू डी माइनस डी डैश। ओवर इनपोस्ट और अंडर इनपोस्ट में डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे जो है एफ सी बी सी हम ले रहे हैं और यहाँ पे ओवर इनपोस्ट के केस में जो है सिग्मा सी बी सी ले रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ जो है कितना होगा, ओवरऑल डेप्थ 600 है और ये जो है टेंसाइल इफेक्टिव कवर अगर हम माइनस करेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा 600 माइनस 40 तो इक्वल टू 560। ये जो है इफेक्टिव डेप्थ हो गया। सबसे पहले हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी इंटू एक्स माइनस डी डैश इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। यहाँ पे b जो है b का वैल्यू है 300 हो गया, 300 एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस m का वैल्यू जो है मॉडुलर रेशियो 13 दिया है तो 1.5 इंटू 13 माइनस 1। अब जो है कंप्रेशन रेनफोर्स्ड का एरिया जो है 4 बार का यूज कर रहे हैं 4 और 12 mm डाया है तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 12 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद x जो है फाइंड आउट करना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और डी डैश जो है ये है कंप्रेशन साइड में जो है इफेक्टिव कवर जो है 40 mm है तो x माइनस डी डैश 40 है हो गया इक्वल टू एम ए एस टी। एम जो है मॉडुलर रेशियो क्वेश्चन में दिया है 13 है, ए एस टी टेंसाइल रेनफोर्स्ड का एरिया हो गया पाई बाई 4 इंटू 4 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स। इफेक्टिव डेप्थ जो है 560 mm है माइनस x, x जो है फाइंड आउट करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 219.03 mm आ रहा है। ये जो है हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गया। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आने के बाद जो है हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू होता है xc इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी बाय एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। एम का वैल्यू दिया है मॉडुलर रेशियो क्वेश्चन में 13 है, सिग्मा सी बी सी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 है, 13 इंटू 7 बाय एम सी बी सी 13 इंटू 7 प्लस सिग्मा एस टी दिया है क्वेश्चन में 230 हो गया। उसके बाद डेप्थ जो है इफेक्टिव डेप्थ है 560 mm तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है 158.75 mm। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है लेस है और एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है तो सेक्शन जो है ओवर रेनफोर्स्ड हो गया क्योंकि एक्स जो है ग्रेटर देन एक्सी है तो सेक्शन जो है ओवर रेनफोर्स्ड हो गया। इस केस में क्या होगा कि कॉन्क्रीट जो है का स्ट्रेस जो है परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचेगा और स्टील में नहीं पहुंचेगा तो एफ सी बी सी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी बी सी और एफ एस टी जो है लेस देन होगा सिग्मा एस टी के। अब हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा 1/2 बी एक्स सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी एफ सी बी सी डैश डी माइनस डी डैश। यहाँ पे एफ डैश सी बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ डैश सी बी सी यहाँ पर है, सिग्मा सी बी सी पता है मुझे, एक्स जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मुझे पता है तो एफ डैश सी बी सी हम फाइंड आउट कर लेंगे सिमिलर ट्रायंगल से। एफ डैश सी बी सी कैन बी फाइंड सिमिलर ट्रायंगल तो सिमिलर ट्रायंगल से हो जाएगा सिग्मा सी बी सी बाय एक्स इक्वल टू, उसके बाद फिर ये ट्रायंगल का हो जाएगा एफ डैश सी बी सी बाय एक्स माइनस डी डैश तो एफ सी बी सी डैश इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी 7 है। उसके बाद एक्स जो है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है 219.03 आया है। उसके बाद डी डैश जो है इफेक्टिव कवर है कंप्रेशन साइड में और इसका वैल्यू है 40 बाय एक्स 219.03। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है। एफ सी बी सी डैश जो है
आ गया 5.72 न्यूटन पर mm². अब जो है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, सारा डाटा मुझे पता है। 1/2 बी का वैल्यू है 300, उसके बाद एक्स जो है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ 219.03 इंटू सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी बी सी जो है 7 है, 7 इंटू डी, डी डी जो है इफेक्टिव डेप्थ 560 है, माइनस एक्स बाय 3 219.03 बाय 3 हो गया, उसके बाद प्लस 1.5 इंटू 13 माइनस 1, उसके बाद ए एस सी जो है ए एस सी पाई बाय 4 इंटू 4 बार है और 12 mm डाया है तो 12 का स्क्वायर, प्लस एफ सी बी सी डैश जो है आया है 5.72 इंटू डी माइनस डी डैश, डी जो है इफेक्टिव डेप्थ 560 है और इफेक्टिव कवर जो है कंप्रेशन साइड में 40 mm है। इसको सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है 136.9 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।